नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं स्टेशन रीडेवलपमेंट से, जहां पर दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम बहुत ही लाभ को स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके रीडेवलपमेंट को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आज फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाना है। दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन हमारी नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन के लिए हेडक्वार्टर का काम करता है और ये हमारे देश का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी माना जाता है, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड और इवन नेपाल जैसे एरियाज को ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्री गोरखनाथ टेम्पल की तरह इसकी डिजाइनिंग की जाएगी और गोरखपुर का जो कल्चरल हेरिटेज है वो यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। एक न्यू रूफ प्लाजा भी बनकर तैयार होना है, जिसके अंतर्गत अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, ऐसी कुछ चीज़ें बनकर तैयार होंगी। टोटल 498 करोड़ रुपीज इसके रीडेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे और अगले 50 सालों को ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया जाना है। अभी के समय में इस स्टेशन पर डेली फुटफॉल 93,000 के आसपास है और अगले कुछ सालों में ऐसी उम्मीद है कि ये 1,68,000 तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक वंदे भारत ट्रेन को भी यहां से फ्लैग ऑफ किया गया है, क्योंकि गोरखपुर से लखनऊ के बीच में ऑपरेट होगी। ऑलमोस्ट 4 घंटे के अंदर अंदर ये जर्नी कम्प्लीट हो पाएगी, जिसमें बीच में अयोध्या को भी कनेक्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर सबर्बन रेल से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों बेंगलोर सबर्बन रेल की लाइन 4 के ऊपर भी अब काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके डेवलपमेंट और डिजाइनिंग को लेकर 4 कंपनीज के द्वारा बिड सबमिट कर दी गई है। दोस्तों बेंगलोर सबर्बन रेल आज के समय में बेंगलोर के लिए एक मच नीडेड प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर ये बनता है तो बेंगलोर में ट्रैफिक काफी हद तक कम होता हुआ देखने को मिलेगा। फेज 1 में वैसे तो ओवरऑल 4 लाइन्स बनाई जानी है, उसमें से भी 2 लाइन्स ऐसी होंगी जिनको प्रायोरिटी बेसिस पर बनाया जाएगा, जिसमें से लाइन 2 के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है और अब लाइन 4 के ऊपर भी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लाइन 4 को कनाका लाइन कहा जाएगा, जो कि हेलालिगे से राजन कुंते के बीच में बनकर तैयार होगी। बयापन्नाहली, चनसंद्रा, येलाहंका, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो भी इसी के थ्रू कनेक्ट होंगे। ओवरऑल 46.24 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, जिसके डेवलपमेंट को लेकर L&T, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटारवो और इंफ्राकोन इन 4 कंपनी ने बिड सबमिट की है, जिसकी भी लोअर स्पीड होगी उसको टेंडर दिया जाएगा। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई से, जहां पर दोस्तों चेन्नई को भी मुंबई की तरह स्काईस्क्रैपर वाली सिटी बनाने के लिए चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा हाई राइज बिल्डिंग को लेकर कई तरह की पावर्स दे दी गई हैं। अब इसके लिए आप कह सकते हैं कि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है कि चेन्नई में कितनी हाइट्स की बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा। दोस्तों स्काईस्क्रैपर्स के मामले में अगर आप मुंबई को हमारे देश से साइड में कर दे तो हमारे देश की और दूसरी सिटी से वहां पर आपको ज्यादा स्काईस्क्रैपर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि एविएशन के लॉस के चलते हमारे देश में स्काईस्क्रैपर्स को बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन अब चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये जो पावर्स दी गई हैं, इसके लिए आप देखेंगे कि चेन्नई में भी मुंबई की तरह स्काईस्क्रैपर्स बन पाएंगी। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि चेन्नई में स्काईस्क्रैपर्स को लेकर जो प्रपोजल्स होंगे उनको भेजने का भी आसान हो जाएगा, साथ साथ जो क्लीयरेंस का काम है वो भी आसान हो जाएगा। और आज के समय जरूरी भी था, क्योंकि चेन्नई की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनके द्वारा लगातार ये डिमांड की जा रही थी कि चेन्नई में स्काईस्क्रैपर से रिलेटेड या फिर बिल्डिंग से रिलेटेड जो क्लीयरेंस का काम है उसको और तेज किया जाए। और अब ये जो पावर CMDA को दी गई है, इसके चलते ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम होती हुई देखने को मिलेंगी। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ रैपिड एक्स से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों नॉन फेयर रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा स्टेशन को ब्रांडिंग का इनिशिएटिव अपनाया गया है और इसको लेकर उन्होंने टेंडर भी फ्लोट कर दिए हैं। सो बेसिकली दोस्तों इस इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा ये कि कोई भी कंपनी जो उनके प्रोडक्ट्स या फिर उनकी कंपनी का खुद का नाम रैपिड एक्स स्टेशन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो NCERTC से स्टेशन के को ब्रांडिंग राइट्स को एक्वायर कर पाएंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली इनको पैसा खर्चना पड़ेगा। इस तरह का दोस्तों कंसेप्ट हमारे जो मेट्रो सिस्टम्स है वहां पर काफी सक्सेसफुल दिखा है, जिसके लिए NCERTC के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे। इनिशियली आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर एंड दुहई, इन स्टेशन पर यह काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पर FMCG, लाइफस्टाइल, स्टील मेकर्स, पेट्रोल, इस तरह की जो अलग अलग कंपनीज हैं वो राइट्स को एक्वायर कर पाएंगी। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों उनके कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 54,000 करोड़ रुपीज के बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और ये सभी के सभी तमिलनाडु में बनकर तैयार होने हैं। दोस्तों इस बड़े इन्वेस्टमेंट के थ्रू तमिलनाडु में सबसे पहले एक न्यू ग्रास रूट रिफाइनरी को सेटअप किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 9 मिलियन टन्स पर एनम की होगी। और जिन लोगों को नहीं पता मैं इनको बता दूं कि ग्रास रूट रिफाइनरी का मतलब है बिल्कुल ही एक न्यू रिफाइनरी जिसको स्क्रैच से बनाया जाएगा। नागापट्टनम में बनकर तैयार होगी, जहां पर 1,300 acres ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है। 35,580 करोड़ रुपीज की बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर की जाएगी, जिसके थ्रू मेनली डीजल और पेट्रोल प्रोड्यूस किया जाएगा। 1,398 करोड़ रुपीज स्पेंड करके एक इंटीग्रेटेड लूप कॉम्प्लेक्स, 2,600 करोड़ रुपीज का एक प्रोडक्ट पाइपलाइन, 2,225 करोड़ रुपीज की LPG पाइपलाइन, 7,570 करोड़ रुपीज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर स्पेंड की जाएंगे, 2,500 करोड़ रुपीज का एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, 921 करोड़ रुपीज स्पेंड करके
कामराजार पोर्ट पर एक एलपीजी जेटी, 724 करोड़ और 466 करोड़ भी स्पेंड करके वल्लूर और असनूर यहां पर भी एक एक टर्मिनल को सेटअप किया जाएगा और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अगले 5-7 सालों के अंदर अंदर होती हुई देखने को मिलेगी। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है जैपनीज अपैरल मेकर यूनिक्लो से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा मुंबई में भी उनकी फिजिकल प्रेजेंस को अनाउंस कर दिया गया है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मुंबई में इनके द्वारा उनका रिटेल स्टोर ओपन कर दिया जाना है। दोस्तों यूनिक्लो एक काफी बड़ा ग्लोबल क्लोथिंग ब्रांड है जो कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 2400 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स को ऑपरेट करता है। भारत में अभी ये स्पेसिफिकली अपैरल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमारे देश की कई सारी कंपनीज के साथ में काम कर रही हैं और अभी कुछ दिन पहले इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो हमारे देश की दूसरी टीयर टू सिटीज हैं वहां पर भी एक्सपांड करेंगे। 20 इंडियन कंपनीज के साथ में मिलकर और ये मैन्युफैक्चरिंग को पुश करेंगे और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई में अभी इन्होंने इनका रिटेल स्टोर अनाउंस कर दिया है जो कि कुर्ला के फिनिक्स मार्केट सिटी में बनकर तैयार होगा। तो मुंबई में ये इनका पहला स्टोर होगा, वैसे ओवरऑल हमारे देश में 11 स्टोर होगा। इससे पहले इनके जितने भी स्टोर्स हैं वो सभी के सभी दिल्ली NCR में हैं, लखनऊ, चंडीगढ़, जीरकपुर, इन सिटीज़ में भी इन्होंने स्टोर्स की ओपनिंग को अनाउंस किया है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है टेलीकॉम गियर मेकर ALE इंटरनेशनल से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इस कंपनी ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो भारत में मेक इन इनिशिएटिव के अंतर्गत उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को पुश करेंगे और इसके लिए वो इंडियन पार्टनर्स के साथ में टाई अप करने वाले हैं। दोस्तों ALE इंटरनेशनल एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है, एशियन मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की रीच को बढ़ाने के लिए इन्होंने डिसाइड किया था कि वो कुछ एशियन कंट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे जहां पर वो उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएं। ताइवान और इंडिया ये दो लोकेशंस इनके लिए प्रेफरेबल लोकेशंस बनकर आई हैं और इनफैक्ट इंडिया में तो ये डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे क्योंकि इनका कहना है कि दूसरी अल्टरनेटिव लोकेशंस के कंपैरिजन में इंडिया इनके लिए एक प्रेफरेबल लोकेशन बनकर सामने आई है, जिसमें ऑब्वियसली PLI स्कीम का भी काफी बड़ा बेनिफिट इनको मिलेगा। हालांकि अभी ये तो अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि किस कंपनी के साथ में ये पार्टनरशिप करेंगे क्योंकि उसको लेकर अभी आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है, तो देखते हैं कि फर्दर इसको लेकर हमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है हमारी IIT से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अब ये फाइनल हो गया कि हमारे देश की पहली फॉरेन IIT तंजानी में बनकर तैयार होगी। क्योंकि इसको लेकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने तंजानियन गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में कुछ MOU साइन कर लिए हैं। दोस्तों कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे देश का पहला IIT तंजानिया में बनकर तैयार होगा जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन उसको लेकर कोई ठोस कदम लिया नहीं गया था। पर अब क्योंकि MOU साइन हो गए हैं तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें फाइनल हैं। IIT मद्रास के द्वारा इसको सेटअप करने का काम स्टार्ट किया जाएगा और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इसी साल के अंदर अंदर ये स्टार्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी के समय दोस्तों देखिए नेसेसरी भी था कि हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारा एक्सपोजर और इंक्रीज करें क्योंकि चाइना ने इन कंट्रीज़ में लोन बांट कर ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ को उनके डेट ट्रैप में फंसा रखा है और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो चाइना को इन सभी कंट्रीज़ में इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही टक्कर दे सकती है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में मेट्रो को लेकर UT एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास में मेट्रो प्रपोजल भेज दिए गए हैं और अगर उनके द्वारा इसको अप्रूवल दी जाती है तो आप देखेंगे बहुत जल्द इनकी DPR से जो काम है उनके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही है कि जम्मू और श्रीनगर दोनों में मेट्रो को स्टार्ट किया जाए और अब काम आगे भी जाता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रपोजल के अकॉर्डिंग श्रीनगर में मेट्रो अराउंड 25 किलोमीटर लंबी होगी जबकि जम्मू में मेट्रो अराउंड 23 किलोमीटर लंबी होगी और कहा जा रहा है कि मेट्रो के बजाय मेट्रो लाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है जिसकी स्पीड मेट्रो के कंपैरिजन में कम होती है और मेट्रो के कंपैरिजन में इसका खर्चा भी कम होता है। इन दोनों की जियोग्राफिकल लोकेशन के चलते मेट्रो यहां पर ज्यादा फिजिबल भी नहीं है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि मेट्रो नियो को भी पहले कंसीडर किया जा रहा था पर अब मेट्रो लाइट को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है और हमारी मिनिस्ट्री के पास में जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें मेट्रो लाइट का ही जिक्र किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।